नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जींद में हत्या का मामला सामने आया है। उचाना में रजबाहा रोड पर बाइक सवार दो बदमाशों ने बाजार में घी लेने जा रहे युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। गोली मारते ही बदमाश नरवाना बाईपास की तरफ फरार हो गए। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस ने आसपास के एरिया में नाकाबंदी कर दी और सर्च अभियान चलाया, लेकिन गोली मारने वाले बदमाशों का सुराग नहीं लगा। उचाना थाना पुलिस शव को कब्जे में लेकर नरवाना के नागरिक अस्पताल में ले गई है। फिलहाल स्वजनों ने किसी के साथ कोई रंजिश नहीं होने की बात कही है। मिली जानकारी के अनुसार उचाना कला निवासी 25 वर्षीय सोमवीर बुधवार दोपहर को घर से बाजार में घी लेने के लिए गया था। जब वो मोटरसाइकिल पर रजबाहा रोड पर पहुंचा तो पीछे से बाइक सवार दो बदमाश आए और आते ही उसको गोली मार दी। गोली लगते ही सोमवीर वहीं पर गिर गया और बदमाश मोटरसाइकिल पर सवार होकर रवाना नरवाना बाईपास की तरफ भाग गए। इसके बाद वहां से निकल रहे लोगों ने सोमवीर को संभाला और वाहन के माध्यम से उचाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया, जहां पर चिकित्सकों ने उसको मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि सोमवीर का पिता ईश्वर सिंह राजस्थान में बर्तन बनाने की फैक्ट्री चलाता है और सोमवीर भी अपने पिता ईश्वर के साथ ही रहता है। पिछले दिनों ही वो अपने घर उचाना कला आया था। रजबाहा रोड पर बाइक सवार युवकों ने उस पर गोली चलाई। गोली उसकी छाती में लगी थी जिसके कारण उसकी मौत हो गई है। हत्या की सूचना पाकर एएसपी कुलदीप सिंह और उचाना थाना प्रभारी सोमवीर ढाका मौके पर पहुंचे। एसएफएल की टीम घटनास्थल से साक्ष्य जुटा रही है। एएसपी कुलदीप सिंह ने बताया कि युवक की हत्या के कारणों का पता नहीं चला है। स्वजनों के बयान दर्ज करने के बाद ही आगामी कार्रवाई की जाएगी। जींद से हमारे संवाददाता विकास ओहल्याण की रिपोर्ट। सर, ये किस प्रकार का मामला हुआ है आज यहाँ पर जो गोली चली है, क्या नाम है उनका और कहाँ से है? ये हमारे पास सुबह करीबन 11:15 बजे एक पेशेंट आया था, सोमवीर सन ऑफ ईश्वर। ये करीबन 25 साल का था और हमारे पास जब ये आया इसकी हालत बेहद नाजुक थी। जैसे मैंने उसको एग्ज़ामिन किया, जैसे मैंने उसको देखा पेशेंट को, बहुत ही नाजुक कंडीशन थी। उसके छाती में एक बड़ा सा ज़ख्म बना हुआ था और जो उसके साथ में जो आए हुए थे, उसके रिश्तेदार थे, उसके दोस्त थे, उन्होंने ये बताया कि इनका आपस में दोस्तों में झगड़ा हुआ है और उन्होंने शायद इसको गोली मारी हुई है। तो ज़ख्म से लग रहा था कि शायद इसके अंदर एक या दो गोली हो सकती हैं, जो कि एक्सरे या फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाएंगे उसके अंदर सही पता चल जाएगा कि कितनी गोलियां लगी हैं इसको। और जब जैसे ये आया था हमारे पास, बहुत ही बेहद नाजुक कंडीशन थी और जैसे ही हमने इसका उपचार यहाँ पे शुरू किया तो उपचार के दौरान मतलब वो ब्रॉड डेड ही आया था हमारे पास। बहुत बेहद नाजुक कंडीशन थी उसकी, तो हमने इसको 11:30 बजे करीबन डिक्लेयर कर दिया डेड। डॉक्टर साहब, क्या नाम है आपका? डॉक्टर संदीप। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।